वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कल की घटना बेहद शर्मनाक है। आज तक से खास बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बीजेपी के जनाधार से परेशान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, कल जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है ये तो ड्रामा है। मैं एक ही बात हूं, ममता जी आप क्या कर रही हैं? ममता जी फिर पूछता हूं, आप कर क्या रही हैं? आप तो संघर्ष से आई हैं ना, लड़ी थी सीपीएम से आप, और आपने सीपीएम के सारे अवगुण को और अपने अंदर समा लिया। ममता जी भाजपा के ऊपर हमले करके आप भाजपा के विकास को बंगाल में रोक नहीं पाएंगी। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? ये ठीक नहीं है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा पूरे टीएमसी को जनता जवाब देगी। सर, लेकिन ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी खुद ही करवाती है और आरोप जो है वो टीएमसी पे लगा देती है राजनीति करने के लिए। तो भाजपा के 130 कार्यकर्ताओं को भाजपा ने मरवाया क्या? ये कौन सा तर्क है? क्या वहां के प्रशासन की निष्पक्षता छुपी हुई है क्या? कितने वो पूर्वाग्रह से काम करते हैं और टीएमसी के दबाव में काम करते हैं, ये तर्क क्या है कि हमारे अध्यक्ष जी ने सबके नाम बताए हैं, पोस्टमार्टम नहीं होता है? ये तो सब कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कई मामलों में, आपको पता है। तो ये बहुत पीड़ादायक है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हमारे संगठन के सिरमौर हैं, ये समझना पड़ेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करेंगे, लेकिन ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा टीएमसी के लोगों को और उनके नेता को, अगर उनको लगता है कि इससे भाजपा की हिम्मत टूटेगी तो कभी नहीं होगा। चुनाव के अंदर मतलब आपको लगता है कि जैसे जैसे आगे आएंगे उसी तरीके इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते रहेंगे? ये उनकी हताशा है। और बंगाल की जनता को हम समझते हैं, बंगाल की जनता ने अगर हमें 18 लोकसभा जिताया, 40% हमारा वोट शेयर पहुंचा दिया, तो बंगाल की हवा किधर बह रही है ये देश देख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।